हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुगेश ब्लॉग्स। मैं अभी हूँ चिरांग जिले के एक मशहूर पिकनिक स्पॉट में। ये पिकनिक स्पॉट इतनी क्यों मशहूर है, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मुझे और अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। पहले हमें इस गेट को क्रॉस करके जाना होगा, उसके बाद हमें हगरमा ब्रिज के पास ही पिकनिक स्पॉट मिल जाएगा। आई नदी किनारे बसा ये पिकनिक स्पॉट की पहचान और कुछ ही है। ये मशहूर पिकनिक स्पॉट को और भी खूबसूरत बनाती है यहाँ की बहती हुई नदियाँ, यहाँ की ठंडी ठंडी खुली हवाएं और डेजिंग फेस्टिवल की यादें। डेजिंग फेस्टिवल के समय यहाँ पर बॉलीवुड के कई सारे सिंगर आकर परफॉर्मेंस कर चुके हैं और साथ में बॉलीवुड के एक्ट्रेस भी आ चुकी है। यहाँ पर आप आराम से बैठकर रिलैक्स कर सकते हैं और साथ में खूबसूरत व्यू के भी आनंद ले सकते हैं। अभी यहाँ पर कुछ लोग आए हैं और यहाँ पर कुछ पार्टी ही कर रहे हैं। आप लोगों का पार्टी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा पार्टी करके। ठीक है, और यहाँ पर एक पानी पूरी की दुकान भी मिला। उसके बाद मैं आ पहुंचा आई वैली रिजॉर्ट पर। इस रिजॉर्ट में सभी तरह का खाने का इंतजाम है, सुबह नाश्ता हो या दिन में राइस हो, कोई भी आपको मिल जाएगा। ढाबा हिसाब आइटेम तो 120 मान लेखे आम इतना आइटेम तो बनवा 120 मजद बहु रकम अपना मेन्यू बनवा मेन्यू चाले गम पा गए नर्मेलि बर्तमान ये समय आम मानने गोटे तो दीबार नारो हम किसान दिन कैसे आम कमप्लीट दी पार आम खुली इतना इन समय हुआ ना तीन माह से यह हिसाब आम चार माहे कमप्लीटलि आम मेन्यू तो दी पार तो इतना अपना जी ऑर्डर दें 120 मेन्यू आसे ताते आम ऑर्डर तो दी पार। आई वैली नाम का ये रिजॉर्ट पिकनिक स्पॉट से सामने ही है। मैं अभी और एक पिकनिक स्पॉट में आ चुका हूँ। ये पिकनिक स्पॉट भी चिरांग जिले में ही आता है। भूमेश्वर पहाड़ के ठीक नीचे ही ये पिकनिक स्पॉट है। ये पिकनिक स्पॉट बहुत ही खूबसूरत है, आप लोग भी यहाँ पर पिकनिक मनाने आ सकते हैं। इस जगह पर आने के लिए आपको इस ब्रिज होकर आना पड़ेगा। ये कुजिया नदी के ऊपर है, इसलिए इस ब्रिज का नाम कुजिया ब्रिज ही कहा जाता है। यहाँ पर एक शिव जी की मंदिर है बाबा भोलेनाथ की, और यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं।
यहाँ से अभी कुछ दूरी में एक सुंदर सा वाटरफॉल है, अभी मैं आप लोगों को उस वाटरफॉल पर ले चलूंगा, तो आइए चलते हैं। मैं अभी जा रहा हूँ उस वाटरफॉल की तरफ। मैं अभी हूँ ये सुंदर सा वाटरफॉल में। ये वाटरफॉल की आवाज़ सुनकर मुझे बहुत खुश लग रहा है। ये पानी बहुत ही ठंडी है। आप लोग भी इस वाटरफॉल में आके आनंद ले सकते हैं। मैं हूं अभी भुवनेश्वर पहाड़ के ऊपर और यहां पर बहुत बड़ा पत्थर के ऊपर मैं बैठा हूं और यहां पर एक जैक फ्रूट की भी ट्री है। तो घूम के बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।